सोनीपत के गांव उल्देपुर ठरू में उस समय सनसनी फैल गई जब खेतों में चर रही एक गाय को गांव के ही रहने वाले अजय नाम के शख्स ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि खेतों में चर रही गाय को अजय ने पहले तो लाठी से बुरी तरह पीटा, लेकिन जब गाय की मौत नहीं हुई तो रस्सी से गला घोट कर उसकी जान ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही गौरक्षकों की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद काफी हंगामे के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने शिकायत के मुताबिक केस दर्ज करते हुए आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को सूचना मिली थी आरवी के माध्यम से, गांव उदलेपुर ठरू में एक गाय की हत्या कर दी किसी ने, तो वहाँ मौके पहुँच गए थे हमने, और एक कंप्लेनेंट है सुरेश कुमार, उसने बताया कि एक आवारा गाय है जो खेतों में घूमती रहती थी, तो वहाँ एक अजयेश नाम का, अजयेश सनुप ताराचंद नाम के खेत में घुस गई और उसने उसके डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिस संबंध में मुकदमा नंबर 81 दर्ज कर दिया था रात को ही। निकालता था और बार बार काफी नुकसान होने के कारण मैंने गुस्से में उसको मार पिटाई कर दी थी। गला घोट कर भी कुछ सामने आया कुछ, यो कह रहा है जब वो नहीं निकल रही थी तो मैंने एक रस्सी डाल के गले में उसको ले जाकर छोड़ने के लिए ले जा रहा था, और जो ही मैं खेत से बाहर आया तो उसने झटका मारा, झटका मारने से एक पेट भी टकरा गया जिससे उसकी गला रस्सी से भी और टकराने से मौत हो गई। क्या कार्रवाई की गई सर? मुकदमा नंबर 81 FIR रजिस्टर्ड रात को कर दी थी, पोस्टमार्टम करा के गांव का अंतिम संस्कार कर दिया और उसको गिरफ्तार कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि अजय के खेतों में बेसहारा गाय बार बार आकर फसलों को नुकसान करती थी। अजय गाय को कई बार खेतों से निकाल चुका था, लेकिन गाय फिर आ जाती है, इसी को लेकर अजय ने पीट पीट कर गाय को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि गौरक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने गौ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।